कौवे भैया, आपको याद है जब हम पिछले साल साथ वाले जंगल में गए थे तो दूसरे जंगल के परिंदों ने हमारे साथ कितना अच्छा बिहेव किया था। हमें जरा भी महसूस नहीं होने दिया था कि हम मुसाफिर हैं, और हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे पकवान भी पकाए थे। हाँ हाँ स्वीटी चिड़िया, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो अमरूद और चावल जो हमें रोजाना नाश्ते में मिलते थे, उन परिंदों का पैगाम आया था, वो हमारे जंगल में आ रहे हैं। उनके जंगल में कुछ दिनों से बर्फबारी शुरू है। वो हमारे पास आएंगे और 3 दिन यहीं रहेंगे और फिर आगे चले जाएंगे। मैंने सोचा है कि हम इन सब परिंदों के लिए खिचड़ी बनाते हैं। उन सब परिंदों को खिचड़ी बहुत पसंद है, इसलिए हम उनके लिए खिचड़ी ही बनाएंगे। क्या आपको आती है स्वीटी आपकी खिचड़ी पकाना? हाँ हाँ, मैंने सीख रखी है खिचड़ी पकाना। आप ऐसा कीजिए कि आप चावल ले आइए और मैं मसूर की दाल ले आती हूँ। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और शाम तक सारा काम हो जाएगा। और फिर स्वीटी चिड़िया मसूर की दाल लेने वहाँ से चली जाती है। तो पूरा दिन पड़ा है और खिचड़ी में कौन सा वक्त लगता है। ये चिड़िया तो बहुत टेंशन लेती है हर काम की। और फिर कौवा ऐसे कहते हुए लेट जाता है। अरे कहाँ गए दाने मसूर के, कहाँ गए? पौधे थे यहीं पर तो मैंने देखे थे। हाँ, मुझे पता था यहीं पे मिल जाएंगे। और फिर छोटी चिड़िया जल्दी से मसूर का एक पौधा तोड़कर वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। कौवे भैया, आप तो सो रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि चावलों के चंद दाने ले आइएगा। मैं तो मसूर की दाल लेकर आ भी गई। हाँ स्वीटी आपी, लेकिन आप मुझे बताकर नहीं गई थी ना कि चावल कहाँ से मिलते हैं। मुझे क्या पता कि चावल कहाँ से मिलते हैं। कौवे भैया, हम सब परिंदे अपना खाना ऊंची उड़ान लेकर ही ढूंढते हैं ना। ऐसे तो मुझे भी नहीं पता कि चावल के दाने कहाँ से मिलते हैं, लेकिन मगरिब की तरफ जो बड़ा दरख्त है ना आम का, उसके नीचे होते हैं चावल। अच्छा आप परेशान मत होइए, चावल मैं ले आती हूँ। आप ऐसा कीजिए, पहाड़ों की तरफ जाइए और वहाँ से नमक लेकर आइए। ठीक है स्वीटी आपी, आप जाइए और चावल ले आइए, मैं नमक लेने जाता हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया चावल लेने चली जाती है। अब तो मुझे नमक लेने जाना ही पड़ेगा, वरना स्वीटी आपी मुझे छोड़ेंगी नहीं। और फिर कौवा भी नमक लेने चला जाता है। और फिर कौवा जल्दी से नमक लेकर वापस हो लेता है। आ गई स्वीटी चिड़िया चावल लेकर, मैं भी नमक ले आया हूँ। लेकिन स्वीटी आपी, मेरी चोंच बहुत नमकीन हो गई है। कोई बात नहीं कावे भैया, थोड़ा सा पानी पियोगे तो ठीक हो जाएगी। अब ऐसा करिए कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं खिचड़ी पका। और फिर स्वीटी चिड़िया खिचड़ी पकाना शुरू करती है। वाह कितनी अच्छी खुशबू है, दिल कर रहा है अभी सारी खिचड़ी खा लूं। कावे भैया इधर आइए, मेरी बात सुनिए। हाँ स्वीटी चिड़िया। कावे भैया, खिचड़ी तो तैयार हो गई है, लेकिन अब हमें तमाम परिंदों के लिए घोंसले तैयार करने होंगे। आपको पता है ना कि वो परिंदे कितने नरम नरम घोंसलों के आदी हैं। स्वीटी आपी, आपको तो पता है ना कि हमारे बड़ों से ही हम सब कांटों के घोंसले बनाते हैं। वो नरम नरम घोंसले कैसे बनते हैं मुझे सच में नहीं मालूम। हाँ कावे भैया, ये तो वाकई ही सही कह रहे हैं आप। चले आप परेशान ना हो, आप खिचड़ी के पास बैठें और मैं घोंसले बनाती हूँ। आप परेशान मत होइएगा, मैं सब कर लूँगी। और फिर ऐसे स्वीटी चिड़िया जल्दी से घोंसले बनाने वहाँ से चली जाती है। और फिर चिड़िया पूरे जंगल में नरम नरम तिनके, घास और कपास ढूंढकर दूसरे परिंदों के लिए नरम नरम घोंसले तैयार करती है। और दूसरी तरफ कालू कौवे का खिचड़ी के पास बैठकर खिचड़ी को सूंघ सूंघ के बुरा हाल था। उसके मुंह में खिचड़ी की खुशबू सूंघकर पानी आ रहा था। कालू कौवे ने थोड़ी देर तो सब्र किया, लेकिन फिर उससे रहा ना गया। अरे थोड़ी सी खिचड़ी खा भी लूं तो क्या है, मैं नमक भी तो लाया था ना, और स्वीटी चिड़िया को क्या पता चलना है कि मैंने ही खिचड़ी खाई है। और ऐसे सोचकर कौवा खिचड़ी खाना शुरू हो जाता है। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट थी कि कौवे को खाते खाते पता ही ना चला कि वो कितनी खिचड़ी खा चुका है, और वो ऐसे ही मजे ले लेकर खाता रहा, और आखिर में वो खिचड़ी खत्म हो गई। अरे ये क्या, खिचड़ी तो खत्म हो गई और मुझे पता ही नहीं चला, अब मैं क्या करूं? स्वीटी आपी तो मुझे बहुत डांटेंगी और तमाम परिंदे आने ही वाले होंगे। और फिर उधर स्वीटी चिड़िया घोंसले बना लेती है, और जब वो वापस लौटकर देखती है तो खिचड़ी नहीं होती। कालू कावे, क्या ये खिचड़ी तुमने खाई है? ना ना नहीं नहीं स्वीटी आपी, मैंने तो नहीं खाई। जब से आप गई हैं मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं हूँ। स्वीटी आपी, अब हम क्या करेंगे, वो परिंदे तो आने ही वाले होंगे, लेकिन अब तो हमारे पास जरा भी खिचड़ी नहीं है। स्वीटी आपी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई थी, लेकिन आप परेशान मत होइए, उन परिंदों के आने से पहले पहले मैं जंगल में से कुछ फ्रूट लाकर रख दूंगा और वो आप उनको खिला दीजिएगा। देख लो कालू कावे, मुझे तो बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है। कितना अच्छा लगना था मुझे कि जब वो तमाम परिंदे आते ही गरम गरम खिचड़ी खाते। कोई बात नहीं स्वीटी आपी, आप परेशान मत होइए, ये खिचड़ी शायद उनकी किस्मत में थी ही नहीं। हाँ कावे भैया, अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से तमाम परिंदे आ जाते हैं।
आ गए आप सब। कैसा गुजरा आप सबका सफर? हाँ हाँ स्वीटी चिड़िया, हमारा सफर तो बहुत अच्छा गुजरा है। हाँ सुनाओ भाई तोते, रास्ते में जो अमरूदों का बाग है वहां पर रुके थे क्या? नहीं नहीं कालू कवे, सफर बहुत लंबा था। हम तो यही सोच रहे कि यहीं रुकते हैं, यहाँ रुकते हैं, लेकिन हम नहीं रुके और यहाँ पर आ गए। और ये सुनकर स्वीटी चिड़िया और भी परेशान हो जाती है। क्या हुआ है स्वीटी, इस दफा तुम पहले की तरह खुश नहीं हो? नहीं तोते भैया, बस थोड़ी सी शर्मिंदगी है। मैंने आप सबके लिए खिचड़ी बनाई थी और मैं आप सबके लिए घोंसले बनाने गई तो कालू कवे की आंख लग गई और खिचड़ी कोई जंगली जानवर खा गया। कोई बात नहीं स्वीटी, खाने की वजह से तुम इतना उदास क्यों हो? हम सब मिलकर अभी खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं। और फिर स्वीटी चिड़िया जल्दी से कौवे के कान में कहती है, कालू भैया आप जो कह रहे थे ना फलों के बारे में, जाइए और वो ले आइए। और कौवा जैसे ही उड़ता है वो नीचे गिर जाता है। तमाम परिंदे कौवे को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे कावे भैया क्या हो गया? पता नहीं स्वीटी चिड़िया, बहुत दर्द हो रहा है कहाँ पे कावे भैया? मेरे पेट में, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ है कावे भैया, आपने क्या खाया है? तोते भैया आप देखिए कालू कावे को। स्वीटी आपी, वो अमरूदों वाली बात याद है ना? हाँ हाँ तोते भैया, हम आज भी वही बात याद करके हंस रहे थे। हाँ भाई कालू, क्या खाया है तुमने? कुछ भी नहीं खाया मैंने तो। कुछ तो खाया होगा तभी तो पेट में दर्द हो रहा है ना। अरे कावे भैया बता दीजिए ना क्या खाया है आपने। और अब तो कौवे से दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और वो झट से बोलता है खिचड़ी खिचड़ी खाई है मैंने, मुझे माफ कर दो स्वीटी आपी, मैं सारी ही खिचड़ी खा गया। और ये बात सुनकर तमाम परिंदे बहुत हंसते हैं। और फिर तोता थोड़ी सी मेडिसिन लेकर कौवे के मुंह में डाल देता है। और फिर तमाम परिंदे कौवे से कहते हैं, कावे खिचड़ी किसने खाई, कावे खिचड़ी किसने खाई।